आप देख रहे हैं केवल सच। लूटपाट की योजना बना रहे चार आरोपी गिरफ्तार। एसबीआई के एटीएम को काटकर पैसे लूटने की तैयारी में थे आरोपी। वरीय पुलिस अधीक्षक रांची सुरेंद्र कुमार झा को गुप्त सूचना मिली कि मांडर थाना क्षेत्र के ब्रॉम्बे चौक के पास एसबीआई एटीएम में कुछ लोगों के द्वारा चोरी की जा रही है। सूचना मिलते ही पुलिस अधीक्षक ग्रामीण नौशाद आलम के निर्देश पर थाना प्रभारी मांडर विनय कुमार अपने पुलिस बल के साथ वहां पर पहुंचे तो देखा कि चार युवक एटीएम में चोरी कर रहे हैं। उसके बाद उन्होंने त्वरित कार्रवाई करते हुए एटीएम में लूटपाट करने वाले युवकों को हिरासत में लिया। इन लोगों ने पूछताछ में पुलिस को बताया कि एसबीआई एटीएम के बगल स्थित झारखंड राज्य ग्रामीण बैंक के पास दरवाजे में लगे ताले को लोहे की रॉड से तोड़कर अंदर जाने की कोशिश की थी, लेकिन ये लोग अंदर जाने में सफल नहीं हो सके, इसलिए एसबीआई एटीएम में चोरी करने आए थे। इस क्रम में चार युवकों को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार लोगों में उज्ज्वल उराव, आकाश उराव, अनुराग कश्यप और प्रतीक खालको हैं। पुलिस ने इनके पास से दो मोटरसाइकिल, बैंक के मुख्य दरवाजे से तोड़े गए दो ताले और दो रॉड बरामद किए हैं। मिली जानकारी के अनुसार चारों युवकों में से उज्जवल पूर्व में भी आपराधिक गतिविधियों में शामिल रहा है और जेल भी जा चुका है। ग्रामीण एसपी नौशाद आलम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी पूरे मामले की जानकारी। गिरफ्तारी ली है, क्या कुछ है पूरा? मांडर थाना का एक इम्पोर्टेंट जगह है हम लोगों का ब्रॉम्बे चौक, जहाँ पर झारखंड ग्रामीण बैंक भी है और प्लस एसबीआई के एटीएम में पिछले रात अपराधकर्मी ने बैंक का ताला तोड़कर मुख्य द्वार का तोड़कर अंदर जाकर चेस्ट को कब्जे में करना चाह रहे थे, लेकिन वहां तक पहुंच नहीं पाए। फिर जस्ट बगल बाजू में ही एसबीआई का एटीएम है, उसको डिस्टर्ब करने लगे। जबकि इसकी सूचना जैसे हमको मिली और हमारे थाना प्रभारी अभी जस्ट वहाँ ज्वाइन किए हैं उनको मिली, तो इन्होंने तुरंत बहुत तत्परता के साथ और कम फोर्स में ही वहाँ समय रहते हुए वहाँ पहुँच गया और पहुँच कर जो अपराधकर्मी थे उन लोगों को ओवर पावर किया और जिसमें से उज्ज्वल उराव, आकाश उराव, अनुराग कच्चप, प्रदीप खलको, ये सभी मार्डर के रांची जिले के ही रहने वाले हैं। उनके पास से बैंक का द्वारा वो टूटा हुआ वो ताला दो देख रहे हैं जब्त किया गया है। उनके पास मोबाइल मिला है और ताला तोड़ने वाला ये काफ़ी वजनदार ये लोहे का रॉड है जिसका वो इस्तेमाल कर रहे थे, उसको जब्त किया गया। आपको पता होगा कि पिछले पखवाड़े में रातू थाना क्षेत्र में दो घटनाएं हुई थी, एटीएम का चेस्ट काट कर और काफ़ी पैसा की चोरी की गई थी। इसलिए पूरे रांची जिला को वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा अलर्ट किया गया है, विशेष रूप से रात्रि में जो भी बैंक का जो जगह है या फिर वैसी जगह है जहाँ पर कैश रखी जाती हो सबको प्रायोरिटी के रखते हुए उसका सुरक्षा देना है। उसी मद्देनजर ये चारों लोगों की गिरफ्तारी हुई। अगर थाना प्रभारी जरा भी शिथिलता बढ़ते तो शायद इन लोगों की गिरफ्तारी नहीं हो पाती। इनका आपराधिक इतिहास देखने से ऐसा लगता है कि पूर्व के कई केसों में संपत्ति मूलक केसेज में ये लोग जेल जा चुके हैं, डकैती लूट आर्म्स के केस में। ये एक अच्छा गिरोह है जिसको पकड़े जाने से हमको लगता है कि उधर आपराधिक घटनाओं पर अंकुश लगे। क्राइम का ग्राफ बहुत बढ़ रहा है। बात आप सही कह रहे हैं। डिटेक्शन का रेट भी जरा देख लीजिए, ठीक है सर? ये लोग चार लोग ही थे कि इनका और भी गैंग अभी है निकला हुआ, और भी गिरफ्तारी होनी है या चार ही लोग थे? चार लोगों की गिरफ्तारी हुई है और हम तहकीकात कर रहे हैं कि इसमें इनके टीम में और कोई है कि नहीं।